नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता राउत और ये मेरा पहला ASMR वीडियो है हिंदी में। ASMR बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये काफ़ी नई चीज़ है। दरअसल ये नई नहीं है, बट इसके बारे में हमें अभी अभी पता चलने लगा है। ASMR एक इंग्लिश एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है एटोनमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। इसका मतलब है जो हम आवाज़ें अलग अलग तरह के सुनते हैं, कई सारे आवाज़ें जिनको सुन के हमारा मन हल्का होता है, उनको सुन के एक मन में सुकून सा मिलता है, जैसे बारिश की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, बहते पानी की आवाज़, ऐसे कई तरह के आवाज़ें जो लोगों को पसंद आती है। कई बार ऐसे होता है कुछ लोगों को एक आवाज़ बहुत पसंद आती है और कुछ लोगों को वो आवाज़ ज़रा भी पसंद नहीं आती, जैसे खाना चबाने की आवाज़। कुछ लोग को बहुत पसंद आते हैं लोगों के खाना चबाने की आवाज़ सुनने को, और उसकी वजह से एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है, मुकबांग और मुकबैंग। ये ट्रेंड शायद कोरिया में शुरू हुआ था। इन मुकबांग वीडियोस में लोग अलग अलग तरह के खाना रखते हैं सामने और उन्हें वीडियो में खाते हैं, और वो खाना चबाने की आवाज़ कुछ लोगों को सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लोग खुशी मिलती है आवाज़ सुनने में, या कुछ लोगों को वो अलग अलग तरह के लाजवाब खाने के आइटम देखकर खुशी मिलती है। मुझे उन आइटम देखने में ज़्यादा खुशी मिलती है। काफ़ी सारे लोगों को विस्परिंग वीडियोस पसंद हैं। विस्परिंग मतलब एक धीमी आवाज़ में बात करना ताकि सामने वाले को पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे हम किसी के कान में बात करना चाहते हैं तो कुछ चुपचाप से बोलेंगे कि वो सामने वाला आदमी कितना बेकार है। काफ़ी सारे लोगों को वो पसंद आता है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद आता है। मेरी सबसे फेवरेट ASMR आर्टिस्ट है जेंटल विस्परिंग ASMR। इनकी वजह से ही मुझे ASMR में दिलचस्पी होने लगी। पहले मुझे ASMR पसंद नहीं था, जब मैंने शुरू में ये विस्परिंग, ये धीमी आवाज़ की बात करने वाली वीडियोस देखे तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया लोगों को ये क्यों पसंद आता है, बट मैंने उनका एक वीडियो देखा, व्हाट इज़ ASMR, और मुझे अलग ही सेंसेशन फील हुआ, एक अंदर से एक रिलैक्सेशन फील हुआ जैसे उनकी आवाज़ सुनती गई। एक तभी थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या ये फीलिंग होती है। वही सेम फीलिंग हमें अलग अलग तरह की आवाज़ों से आ सकती है। कुछ लोगों को ये धीमी आवाज़ पसंद नहीं होगी, कुछ लोगों को खाने की नहीं पसंद होगी, पर कई सारे लोग होते हैं जिनको एक हमारे नेचुरल साउंड्स पसंद आता है। मुझे जेंटली ASMR विस्परिंग के वीडियोस बहुत पसंद है। ये आवाज़ हमेशा मुझे सुकून सा देती है। मैं इसलिए उनके वीडियो को शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में भी उनके लिंक को शेयर किया था, और इस वीडियो में भी मैं उनको शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड है वो और मुझे बहुत पसंद है। और वो यूट्यूब के सबसे टॉप ASMR आर्टिस्ट में से है। वो काफ़ी सालों से वीडियोस बनाती आ रही है और उन्होंने अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए। आपको उनके वीडियोस पसंद आएंगे, यकीन है मुझे। आप लोगों को भी उनके वीडियोस पसंद आएगी। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों को मेडिटेशन योगा के बारे में तो मालूम होगा। मेडिटेशन करते टाइम कई बार लोग ओम का उच्चारण करते हैं,
ये ओम का उच्चारण भी एक तरह का ASMR ही है। इस शब्द से और जिस तरह हम इसका उच्चारण करते हैं, इससे हमारे एक मन को एक सुकून सा मिलता है। हम सामने किसी को ओम का उच्चारण करते सुने बार बार, तो हमारा भी मन हल्का होने लगता है। हम जब आँख बंद करें तो सांस अंदर लेके जब आप ओम का उच्चारण करें तब सांस एकदम अंदर भर लीजिए ताकि हम ओम को ज़्यादा देर तक बोल सकें। मैं कलाकार हूँ और मैं अपने पेंटिंग्स ऑनलाइन साइट्स पे बेचती हूँ, और मैंने पेंटिंग करना सीखा यूट्यूब पे ही। काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ, लोगों को पेंटिंग करना सिखाऊँ जैसे मैंने यूट्यूब पे सीखा था। मैं कलाकार हूँ और मैं अपने पेंटिंग्स एटसी पे बेचती थी पहले, और जल्द ही मैं अपने पेंटिंग्स अपने वेबसाइट पर बेचूँगी और उन पेंटिंग्स की ट्यूटोरियल्स, मैंने उन पेंटिंग्स को कैसे बनाए उनकी वीडियोस अपने चैनल पर डालूंगी। मैं यूट्यूब के थ्रू इनकम बनाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर लगेगी। तो अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आई ये वीडियो की तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और अपने वीडियोज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं।